लखनऊ में ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का धरना लगातार 93 दिन से जारी है। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के बैनर तले इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से 20,000 नौकरियां अन्य वर्गों के लोगों को मिल गई हैं। इस धरने का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने बताया कि हमने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 26 सितंबर तक का समय दिया है। अगर 26 सितंबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो राज्य के सभी जिलों के हमारे साथी 27 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। हम लोग मुख्यमंत्री तक को मांग पत्र भेज चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के सरकार से दो प्रमुख सवाल हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% के स्थान पर उनके कोटे में 3.86% आरक्षण क्यों? भर्ती में दलित वर्ग को 21% के स्थान पर उनके कोटे में 16.6% आरक्षण क्यों? धरना दे रहे अभ्यर्थियों की सरकार से मांग है कि आरक्षण नियमावली बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश 1994 का सही ढंग से पालन हो, क्योंकि अब तक ऐसा ना हो पाने की वजह से 20,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। इसके अलावा ये लोग आरक्षण के अधिकार 27% और 21% को पूरी तरह से लागू करने की भी मांग कर रहे हैं।